सहारनपुर थाना मिर्जापुर पुलिस को आज उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब मुखबिर की सूचना पर बरेली से आए युवक द्वारा क्षेत्र में स्मैक बेचने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने सूचना के आधार पर जाल बिछाया और उस जाल में पुलिस ने सीओ बेहट के कुशल नेतृत्व में दो युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 150 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी बाजार कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जिसकी सूचना आज पत्रकारों को SP देहात सूरज राय ने दी। सूचना मिली थाना मिर्जापुर पुलिस को कि एक व्यक्ति जो कि बरेली का रहने वाला है और अक्सर यहां पर आकर स्मैक की सप्लाई करता है थाना मिर्जापुर क्षेत्र में, वो यहां पर स्मैक उपलब्ध कराने आया हुआ है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना मिर्जापुर पुलिस ने सीओ बेहट के नेतृत्व में दबिश दी और दबिश में दो अभियुक्त और इनके कब्जे से लगभग 150 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। और इसमें जो मिर्ज़ापुर का रहने वाला अभियुक्त है सलमान और जो बरेली का सप्लाई करने वाला पेडलर है नाजिम, इन दोनों के कब्जे से स्मैक संयुक्त रूप से बरामद हुई है। इन दोनों को आवश्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। कितनी कीमत होगी? ये देख, इसकी बाजारी कीमत लगभग 7.5-8 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।